अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज ईद का दूसरा दिन है और मैं 10 मिनट पहले अभी मुनारा से निकला हूँ। आज मेरे साथ मोहसिन, हसैन और हसन साथ हैं। अभी सर कलां हम पहुँच गए हैं, ये आप देख सकते हैं सर कलां हमारे सामने है गांव। यहाँ से सीधा हम आगे जाएंगे, पहाड़ी हमें उतरनी है और नीचे इंशाल्लाह हम लैला की तरफ जाते हैं। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज। अभी हम सर कलां के अंदर से गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह तकरीबन एक घंटा के अंदर अंदर हम टोपी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक में पहुँच जाएंगे। और अभी जो आगे पहाड़ी का व्यू आने वाला है जो बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगा, और आगे एक और झील भी आएगी जो हम आपको दिखाएंगे, तो इंजॉय करते रहें। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दोस्तों तो अभी मैं जिस जगह पहुंच गया हूं, ये सर कलां से आगे निकलकर एक बहुत बड़ी झील है जो आप देख सकते हैं, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल पहाड़ के साथ खड़ा हुआ पानी है। इस साइड पे भी देख लें, इसका एरिया काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। मार्टन और सर कलां हैं उनके दरमियान में वाक़िया है, तो जगह बहुत ही प्यारी है। आज मौसम भी देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। मुर्गाबियाँ कोई नहीं है सन विच, और कुछ है बैठ जाए और खाली खाली काफ़ी बड़ी हो आज नज़र तो कोई नहीं आ रही है। मेरा पानी सुखा अनार शाय उठ गई, लेकिन वो पतरे रह फिर दिया पानी दे बीच और बस नहीं बस हैं कश्ती चल नहीं सकती इस पानी नहीं फिर दिया पानी है डूगा काफी जड़ा आवाज आंदी पई आओ फिर दिया ना। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आखिरकार मैं पीर कारा वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह पे पहुंच गया हूं। पीछे आपको दरबार नज़र आ रहा होगा वो सामने, और इस तरफ जो मस्जिद नज़र आ रहा है आपको ये इस तरफ सामने मस्जिद है। और आज का दूसरा दिन है, इस वजह से यहाँ काफ़ी रौनक है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अभी मैं दरबार के अंदर जाऊँगा और अंदर से भी आपको पूरी जगह दिखाई जाएगी। और इस तरफ आप पीछे देख लें, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये देखें इस साइड पे ये जो बनाया गया है ये लंगर खाना है सामने, यहाँ पे आदमियों को लंगर सर्व किया जाता है और वज़ू करने की जगह इस तरफ है। ये सही देखें, और बकाया ये है कि अभी हम दरबार के अंदर जाएंगे। आप क्या हाल है प्रिया? प्रिया थी अच्छा की नाम इस वाडा आरफ अशरफ की नाम सही सही। और लंगर शगर कोई नहीं मिल रहा सही सही। चलो मैं दरबार से फिर अंदर जाना, थोड़ा अंदर बैठना नज़ारे का। वुज़ू है मेरा तेरा किस कंडीशन है? है वुज़ू तो फिर वुज़ू है तस्तैन कि देखें नसैन ते अपना हसन उदार वुज़ू करेंगे फिर उन्होंने बुला होना फिर जाइए अंदर। आप ये कहते हो हमने नो सजा करेंगे अंदर सही हो गया। तो ऐ दोस्तों तक लो ऐ अंदर दरबार है तो काफ़ी रौनक लगी सामने, मैं थोड़ा व्यू फोन विखा देना। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ हज़रत करम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जो इस इलाके का सबसे मशहूर दरबार है। और हज़रत करम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 18वीं सदी में उनकी पैदाइश हुई, और वो हज़रत गौस अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे जिन्होंने मुल्तान से हिजरत करके दरबार शरीफ आए
और आप हजरत करम शाह रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से बहुत नेक थे और अपनी ज़्यादा ज़िंदगी उन्होंने इन पहाड़ों में ही अल्लाह की इबादत में गुजारी। हजरत करम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की इबादत में गुजार दी और आप नू आयाम के अलावा पूरा साल रोज़ा रखते थे और गरीबों में कपड़े और ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया वो तकसीम करते थे और 1892 में आपने वफात पाई और आपको इस जगह दफन किया गया। आलमे अबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग ज़रा रे को दिया तूने तलुए आफ्ताब तेरी निगाह ना से दोनों मुराद पा गए अकल गयाबो जस्तजू इश्क हजूरो इस्तराब। अभी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका सीन काफ़ी खुला है, आप देखें पीछे व्यू इधर। ये देखें जी, यहाँ पर मिट्टी के खड़े और कूलर बनाए गए हैं। इधर चाय के लिए प्याली भी पड़े हैं, देखें। बेर ने संगिया बेलिया हो, ठीक है, ले ले था। बेर कुछ ज़्यादा गर्म तो नहीं होती भाजी, गर्मी है ना। दोस्तों अभी हम लीला के रास्ते कलर कार पहुंच गए हैं और आज यहां पर बहुत चहल पहल है। अभी हम कलर कार झील की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां के पार क्या माहौल है आज, तो आ जाएं। मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।